आज का हमारा चैप्टर है फ्यूचर पजेशन। ध्यान दीजिए, जो यूज प्रेजेंट में हैव और हैज के हैं वही पास्ट में हैड के होते हैं। ठीक ऐसे ही यदि भविष्य में हम किसी भी वस्तु पर, जगह पर यदि अपना पजेशन दिखाना चाहें, मालिकाना हक बताना चाहें, या फिर भविष्य में हम कुछ रिलेशन बताना चाहें, किसी व्यक्ति वस्तु के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताना चाहें, तो हम लोग फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्रामेटिकल जो टर्म्स के हिसाब से फ्यूचर को बताने के लिए शैल और विल का प्रयोग करते हैं। और शैल और विल चूंकि अपने आप में मॉडल वर्ब्स होती हैं, तो मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। तो भले ही आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल, नियमानुसार आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या सुझाव देने के लिए शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, यानी शैल आई शैल वी किया जाता, बाकी सब जगह पर विल का प्रयोग होगा। और इस हैव के बाद जिस किसी भी जगह, वस्तु, एनिमल पर आप अधिकार दिखाते हैं वह नाउन लगा दीजिए, रिलेशन दिखाते हैं व्यक्तियों के बारे में कह दीजिए, स्पेसिफिक फीचर्स बताना चाहते हैं वह भी लिख दीजिए। तो हैव के यूज तो वही है जो आपने इनिशियली यूज ऑफ हैव हैज हैड में पढ़े हैं, बस टाइम के हिसाब से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये था अफर्मेटिव, जैसे आई विल हैव ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष मेरे पास एक नई कार होगी। सो आई विल हैव ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। अब यदि नेगेटिव बनाना हो तो आसान तरीका है, वह तरीका यह है जो पहले आप पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल नॉट हैव ए न्यू कार, आई विल नॉट हैव ए न्यू कार, यानी यहां पर आप नॉट लगा दीजिए। या फिर विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट का प्रयोग कर दीजिए, आई वॉन्ट हैव ए न्यू कार। यदि प्रश्न पूछना हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए, ये बेसिक रूल है। अब यदि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करना पड़े तो उसे सेंटेंस के बिगनिंग में लिख दीजिए, और जो रूल आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सीखे हैं वही रूल यहां पर लागू होंगे। तो आइए अब हम लोग भविष्य में हमारे पास हमारे मालिकाना हक में क्या चीज होगी, कोई रिलेशन या फिर जो अन्य सेंस में हैव का यूज खाने पीने के सेंस में किया जाता है उसी सेंस में इसके यूसेज हम लोग देखते हैं। आइए पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई विल हैव ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष मेरे पास एक नई कार होगी। विल अपने आप में फ्यूचर दिखा रहा है और मॉडल के बाद बेस फॉर्म आ गया हैव। वी विल हैव ए बिग हाउस इन फ्यूचर, भविष्य में हमारे पास एक बड़ा मकान होगा, नाउन आ गया हैव के बाद। यू विल हैव ऑल फैसिलिटीज हियर, आपको यहां पर सारी सुविधाएं मिलेंगी, यानी आपके पास सारी सुविधाएं होंगी। दे विल हैव ए हॉलीडे टुमारो, कल उनकी छुट्टी रहेगी, यानी कल उनका हॉलीडे होगा। ही विल हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन होगा। ध्यान दीजिए, चाहे आई वी यू दे हो या ही शी हो, आप विल का प्रयोग करके वर्ब की बेस फॉर्म हैव का प्रयोग ही करें, यानी यहां पर यह हैव ही आएगा। क्लियर है? चूंकि एग्जामिनेशन में जो बच्चे आप में से कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस पर ध्यान दें, कई बार मॉडल वर्ब के बाद हैज का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा गया। एक सेंटेंस था, सेंटेंस इस तरीके से था, ही माइट हैज स्टॉलन योर कार। तो यहां माइट के बाद हैज लगा दिया, चूंकि हम रूल ये पढ़ते हैं कि ही शी इट के साथ हैज का प्रयोग होता है, नो डाउट होता है,
लेकिन मॉडल्स के बाद तो बेस फॉर्म होना चाहिए। तो जो रूल पढ़ा था कि ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, उसी रूल का फायदा उठाकर एग्जामिनर ने आपको भ्रमित करते हुए इस मॉडल के बाद भी हैज दे दिया, जो कि गलत है। मॉडल वर्ब्स के बाद बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर हैज नहीं होगा, हैव होगा। ठीक वही रूल देखिए, ही के साथ या विल के बाद हैव होगा, हैज नहीं होगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, शी विल हैव फुल फ्रीडम देयर, उसको वहां पर पूरी आजादी रहेगी, उसको पूरी आजादी मिलेगी। राम विल हैव ए चांस टू गो एब्रॉड, राम के पास विदेश जाने का एक मौका होगा, यानी राम को विदेश जाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सिटी विल हैव मैनी बिग बिल्डिंग्स इन फ्यूचर, कि शहर में भविष्य में बहुत सी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, तो इस शहर के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताए जा रहे हैं। लास्ट सेंटेंस है, दे विल सर्टेनली हैव ऑब्जेक्शन, उनको निश्चित ही ऐतराज होगा। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो हैव को अलग अलग सेंस में यूज किया गया है, ऑनरशिप भी है, पजेशन भी है, रिलेशन भी है, तो साथ में जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताने के लिए, जैसा कि सिटी विल हैव बिग बिल्डिंग्स इन फ्यूचर, यह भी है, किसी को कोई चीज मिलेगी, उसका वो चीज उपलब्ध होगी। जैसे यहां पर देखें, यू विल हैव ऑल फैसिलिटीज हियर, आपको यहां सारी सुविधाएं मिलेंगी, मीन्स यू विल रिसीव ऑल फैसिलिटीज हियर। तो जो भी यूज हैव के, उन सभी यूज में यहां पर फ्यूचर में भी विल लगाकर यूज किया गया है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, हैज का प्रयोग नहीं किया गया है, देन नाउन, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल। नियमानुसार आप चाहें तो आई और वी के साथ शैल भी लगा सकते हैं, देन हैव, देन नाउन। नेगेटिव बनाने का आसान तरीका है कि इन विल के बाद लेकिन हैव के पहले नॉट लगा दीजिए। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस देखिए, यू विल हैव नो प्रॉब्लम, दो तरीके मैंने आपको पहले भी बताए थे, या तो हैव के बाद नो लगाइए या फिर मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। तो पहला सेंटेंस है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या नहीं होगी, या फिर यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये गलती से छप गया। तो यहां विल के बाद हैव के पहले नॉट लगा दिया या फिर यहां नो लगा दिया, पर नो का जैसा कि रूल है, नो लगाया तो उसके बाद आने वाला नाउन भले ही काउंटेबल और सिंगुलर है तो भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नो का मीनिंग है नॉट ए, तो ए अपने आप में इस नो में इंक्लूड है, इसलिए यहां ए लगा देना गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, आई विल हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। दूसरा तरीका है, आई विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, विल के बाद हैव के पहले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। दे विल हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह दूसरा तरीका है, दे विल नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आई विल हैव नो आर्ग्यूमेंट विद एनीवन, मैं किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, यानी यहां पर डू के सेंस में यूज हुआ है। आई विल हैव नो आर्ग्यूमेंट, या फिर आई विल नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट विद एनीवन, मेरी किसी से कोई बहस नहीं होगी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल हैव नो गुड बुक्स, मेरे पास अच्छी किताबें नहीं होंगी, या नॉट लगाकर बना, ही विल नॉट हैव गुड बुक्स। तो चाहे सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, चाहे ही शी इट हो, जैसा कि यहां ही है, लेकिन विल के बाद तो फिर भी हैव का ही प्रयोग है। तो यहां इसके नेगेटिव बनाने के आपने शुरू से ही देखा है, चाहे प्रेजेंट पोजेशन हो, चाहे पास्ट पोजेशन हो, चाहे फ्यूचर पोजेशन हो, नेगेटिव के दो बेसिक रूल तो है ही है, या तो आप नो लगा दीजिए, नो हैज हैव हैड के बाद, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जो पास्ट सिंपल
फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में जो रूल सीखा है वही रूल यहां लगाकर भी आप इन्हें नेगेटिव बना सकते हैं। आइए इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, और वह भी बहुत कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना। ठीक, तो आइए इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, विल यू हैव डजन्स ऑफ बुक्स। अब विल को सब्जेक्ट के पहले लगा दिया। क्या आपके पास दर्जनों किताबें होंगी, या आप क्या दर्जनी किताबें आपको मिलेंगी, जो भी हैव का यूज बात फ्यूचर की है, लेकिन यहां पर नेक्स्ट विल यू हैव गुड सैलरी इन फ्यूचर, क्या भविष्य में उसको अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट भ्रमित कैसे होते हैं, ही के डायरेक्ट बाद हैव दे दिया, और सीखा क्या है कि ही शी इट के साथ हैज का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट पोजिशन में यही रूल है, लेकिन यदि आपने यहां पर हैड को या फ्यूचर में बताने के लिए नेगेटिव बनाया, तो हेल्पिंग वर्ब को या तो सब्जेक्ट से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, तो फिर वो ही के बाद भी हैज आ गया। ये यहां ही के बाद मॉडल है विल, और मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है, इसलिए सेंटेंस बन गया विल यू हैव गुड सैलरी इन फ्यूचर। नेक्स्ट है विल दे हैव इनफ वेल्थ, क्या उनके पास पर्याप्त धन दौलत होगी, या क्या उनको पर्याप्त धन दौलत मिलेगी। विल शी हैव ब्यूटीफुल ड्रेसेस, क्या उसके पास सुंदर पोशाकें होंगी, या उसे सुंदर पोशाकें मिलेगी। शैल आई हैव ए हॉलीडे टुमारो, अब ध्यान दीजिए यदि आप यहां पर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो नियमानुसार आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, परमिशन लेना, कोई सजेशंस देना, रिक्वेस्ट करना, तो यहां शैल आई, तो शैल आई हैव ए हॉलीडे टुमारो, क्या मुझे कल छुट्टी मिलेगी, क्या मुझे हॉलीडे मिलेगा, यानी सॉरी लीव हॉलीडे मिलेगी, तो एक तरह से पूछ रहे हैं आप। अब इन्हीं में आप नियमानुसार व्हाट व्हाई व्हेन वेयर सेंटेंस में बिगिनिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाई विल यू हैव ए लीव टुमारो, कल आप छुट्टी क्यों लेंगे। क्लियर, सो क्यों के लिए वाई पहले आ गया, देन विल, देन यू, एंड हैव एज यूजुअल है, और फिर ए लिव नाउन के रूप में आ गया। नेक्स्ट है व्हेन विल दे हैव ए पार्टी, यानी वे पार्टी कब करेंगे, या वो पार्टी कब रखेंगे, जो भी हैव के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। व्हेन विल यू हैव ए डिस्कशन अबाउट न्यू प्लान्स, कि जो नए प्लान्स नई योजनाएं हैं उनके बारे में आप चर्चा यानी डिस्कशन कब करेंगे, तो अगेन व्हेन विल यू हैव ए डिस्कशन अबाउट न्यू प्लान्स। व्हाट विल शी हैव फॉर चिल्ड्रन, उसके पास बच्चों के लिए क्या होगा, यानी वह बच्चों के लिए क्या लेगी, क्या उसके पास रहेगा भविष्य में। और लास्ट सेंटेंस वेयर से है, वेयर विल ही हैव ए मीटिंग, वह मीटिंग कहां करेगा, या वह मीटिंग कहां आयोजित करेगा। क्लियर, तो देखिए अलग अलग सेंस में हैव का यूज हुआ है, इसलिए आप लोगों को इनिशियली जो मैंने हैव के यूज बताए हैं, प्रेजेंट में जो मीनिंग और जो यूज हैव के हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज के होंगे, वही यूज पास्ट में हैड के होंगे, और वही यूज फ्यूचर में शैल हैव विल हैव के होंगे। तो यह था आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में दोनों है, यानी क्या से पूछना, नहीं यस नो क्वेश्चंस जो कि ये हैं, उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो कि 6 से लेके 10 तक है। रूल सब में वही कॉमन लागू हो रहे हैं कि कोई क्या के सेंस में, और फिर बाद में डब्ल्यू एच के सेंस में। अब हम लोग लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी क्वेश्चन भी पूछा जाए और नहीं भी लगा हो, जैसे क्या आपके पास अगले वर्ष एक कार नहीं होगी, तो इसके लिए आप विल का प्रयोग करते हैं, तो विल को सब्जेक्ट से पहले और नॉट वहीं की वहीं, या फिर विल और नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट यू, सो वॉन्ट यू हैव ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, क्या आपके पास अगले वर्ष नई कार नहीं होगी। तो आइए डिटेल में सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पहले मैं आपको यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए बताऊं, देखिए एक सेंटेंस मैं ले रहा हूं,
और सेंटेंस है दे विल हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, अगले पास उनके पास कार होगी या कार रहेगी या उनको कार मिलेगी, सो दे विल हैव ए न्यू कार। नेगेटिव बनाने के लिए आप यहां पर नॉट लगा दीजिए, दे विल नॉट हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, या फिर आप विल नॉट विल हैव के बाद यहां नो लगा दीजिए, दे विल हैव नो कार नेक्स्ट ईयर, दे विल हैव नो कार नेक्स्ट ईयर। अब यदि इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना पड़े इस सेंटेंस को, समझिएगा, तो आप विल को सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए, नॉट यहीं पर रख दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया, सेंटेंस बन गया विल दे नॉट हैव ए न्यू कार, विल दे नॉट हैव ए न्यू कार, या फिर इस विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट कह सकते हैं, दे वॉन्ट हैव ए न्यू कार, इस वॉन्ट को सब्जेक्ट से पहले लगा दिए पर नॉट यहां से फिर हट जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा वॉन्ट दे हैव ए कार नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो कैसे इनके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेंगे वो आप समझ गए, कुछ एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। वॉन्ट यू हैव एनी प्रॉब्लम हियर, क्या आपको यहां कोई समस्या नहीं होगी, तो वॉन्ट को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। क्लियर? हालांकि अब आपसे अगर ये कहा जाए कि आप इसको अफर्मेटिव बनाइए, तो अफर्मेटिव बनेगा यू विल हैव सम प्रॉब्लम हियर, क्योंकि एनी और न्यू में कुछ बदलाव अफर्मेटिव में सम होता है, सो यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स हियर, आपको यहां कुछ प्रॉब्लम होगी। नेगेटिव बनाएंगे तो बन जाएगा यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम हियर, आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सो यू विल नॉट हैव। तो जैसे आपने कहा यू विल नॉट हैव, अब इस विल को यहां से हटाकर यहां लगा दीजिए, तो बन गया विल यू नॉट हैव, या फिर विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए वॉन्ट यू, तो वही तरीका हो गया वॉन्ट यू हैव, वॉन्ट यू हैव। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, वॉन्ट दे हैव ए हाउस टू लिव इन, क्या उनके पास रहने के लिए मकान नहीं होगा, तो क्या और नहीं। अब आपसे कोई बोले साहब इसको अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव तो बनेगा दे विल हैव ए हाउस टू लिव इन, दे विल हैव ए हाउस, दे विल हैव ए हाउस। क्लियर? नेगेटिव क्या बनेगा, दे विल नॉट हैव ए हाउस या दे विल हैव नो हाउस। इंट्रोगेटिव बनाएंगे विल दे हैव ए हाउस या विल पहले आ जाएगा अगर इंट्रोगेटिव बने तो विल दे हैव ए हाउस। क्लियर? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए या तो वॉन्ट या फिर विल यहां और नॉट यहां। ठीक, नेक्स्ट देखिए वॉन्ट सी हैव कन्वेंस फैसिलिटी, क्या उसके पास आवागमन की सुविधा नहीं होगी, कन्वेंस का मतलब आने जाने के लिए जो व्हीकल्स लगाए जाते हैं तो उस फैसिलिटी को बोलते हैं, सो वॉन्ट सी हैव कन्वेंस फैसिलिटी, क्या उसे आने जाने की सुविधा नहीं मिलेगी। देन है वॉन्ट इंडिया हैव कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या भारत में कुटीर उद्योग नहीं होंगे, तो यहां पे वॉन्ट इंडिया हैव, आप चाहें तो यहां वाई लगाकर भी कह सकते हैं वाई वॉन्ट इंडिया हैव कॉटेज इंडस्ट्रीज, भारत में कॉटेज इंडस्ट्री क्यों नहीं होंगी, तो क्यों और नहीं दोनों लगाने के लिए वाई पहले लगा दिया। अगला सेंटेंस वाई वॉन्ट यू हैव इनफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, आपको जनता से पर्याप्त समर्थन क्यों मिलेगा, देन वाई लगाकर देखिए वाई वॉन्ट दे हैव मीटिंग विद द मिनिस्टर, क्या मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग नहीं है या नहीं होगी, तो यहां पर वाई वॉन्ट दे हैव ये पूरा एक साथ माना जाता है, यूं मान के चलिए देन जो भी नाउन है वो नाउन होगा। जो स्पोकन प्रैक्टिस स्पीकिंग प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, यानी अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना भी सीखना चाहते हैं तो ये फिर अलग अलग शब्द नहीं है, Why won't they have? एक शब्द के रूप में आपको बोलना पड़ेगा। क्लियर? जो कि स्पीकिंग प्रैक्टिस में अलग से जो टेबल्स दी गई हैं, उनके मार्फत अलग सेक्शन में है। एंड लास्ट सेंटेंस देखिए Why won't you have books there? उसके पास वहां पर किताबें क्यों नहीं होंगी? सो क्यों नहीं होंगी, क्यों और नहीं दोनों का मीनिंग है। ये सब था फ्यूचर में कोई काम क्यों नहीं होगा वो सब बताने के लिए। लास्ट में मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने ये मैं आपको समझा दूं,
प्रेजेंट में आई वी यू दे के साथ हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड और फ्यूचर में नियमानुसार शैल और विल का प्रयोग करके, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हैव, और इन सब के बाद वह नाउन लिखिए जिस पर आप अपना पोजेशन, ऑनरशिप, जिससे रिलेशन या रिलेशनशिप या फिर उस किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स बताना चाहते हैं या कुछ एक्शन वर्ब के सेंस में हैव का यूज करते हैं वो। तो यहाँ लास्ट में विल के बाद हैव एक सिंपल फ्यूचर है, पर जो अन्य मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मे, कैन, शुड, मस्ट, कुड, माइट, उनके अलग अलग यूज होते हैं। तो जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पर विल के बाद आपने हैव लगाया है उसी के आधार पर, क्योंकि विल तो फ्यूचर में दिखाता है और एक यूं मान लीजिए सर्टेनिटी है, पर मान लीजिए वर्तमान में किसी व्यक्ति के पास कोई कार हो सकती है, जैसे मैंने कहा हो सकता है राम के पास कार हो, तो वर्तमान में किसी के पास कुछ होने की संभावना बताई जा रही है, पॉसिबिलिटी, या किसी के पास कोई कार होना चाहिए, एडवाइस कर रहा है, किसी को कोई चीज अवश्य होना चाहिए तो मस्ट का यूज। तो जो भी यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैं, जो कि मॉडल वर्ब्स के सेक्शन में आप अलग से सीखें कि मे का प्रयोग कब करते हैं, कैन का प्रयोग कब करते हैं, मे और कैन में क्या अंतर है, कुड और माइट क्या है, मे और माइट में क्या अंतर है, शुड और मस्ट का प्रयोग कब करते हैं, तो मॉडल वर्ब्स के बाद भी हम लोग पोजिशन दिखाने के लिए हैव का यूज करते हैं। उसका मीनिंग निर्भर करेगा उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है, सभी सब्जेक्ट के साथ नियमानुसार आप कोई भी मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, यानी मे, कैन, शुड, मस्ट, कुड, माइट। आप कह सकते हैं आई मे, वी मे, यू मे, दे मे, ही मे, शी मे, हनी मे, या कह सकते हैं आई कैन, वी कैन, यू कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन, हनी कैन, या आई शुड, वी शुड, यू शुड, दे शुड, ही शुड, शी शुड। तो यहां पर मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए हैव लगा दिया गया। फिर कुछ नाउन्स दिए गए हैं, यानी इन लोगों का, इन नाउन्स पर जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां पर है, पर अधिकार दिखाने के लिए, पोजिशन दिखाने के लिए, स्पेसिफिक फीचर्स दिखाने के लिए, या इस हैव को कुछ अन्य वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर यहां पर देखिए, आई मे हैव एक मान लीजिए पूरा ग्रुप हो गया, आप कह सकते हैं आई मे हैव सम गुड बुक्स, मेरे पास हो सकता कुछ अच्छी किताबें हों, या फिर आई मे हैव ए न्यू कार, हो सकता मेरे पास नई कार हो, तो पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। आई मे हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ, हो सकता मेरे पास बहुत सा धन हो, आई मे हैव ए बिग हाउस, हो सकता मेरे पास एक बड़ा मकान हो, आई मे हैव सम प्रॉब्लम्स हियर, हो सकता मुझे यहाँ पर कुछ समस्या हो, या फिर आई मे हैव फुल कॉन्फिडेंस, हो सकता मुझ में पूरा विश्वास है यानी कॉन्फिडेंस हो। मान लीजिए आपने यू कहा, आपने कहा यू मे, तो पॉसिबिलिटी है यू मे हैव सम गुड बुक्स, आपके पास कुछ अच्छी किताबें हो सकती हैं, यू मे हैव ए न्यू कार, आपके पास कुछ अच्छी कार हो सकती है, नई कार हो सकती है, यू मे हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ, आपके पास बहुत सा धन हो सकता है, यू मे हैव ए बिग हाउस, यहाँ ए लगा लीजिए काउंटेबल नाउन है, आपके पास बड़ा मकान हो सकता है, यू मे हैव सम प्रॉब्लम्स हियर, हो सकता आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पॉसिबिलिटी, ऐसे आप कैन लगा सकते हैं, शुड सलाह दिया, जैसे यू शुड हैव सम गुड बुक्स, आपके पास कुछ अच्छी किताबें होना चाहिए, तो ये मैं एक तरह से सुझाव, आपको खरीदना चाहिए या रखना चाहिए, यू शुड हैव ए कार, आपको कार रखना चाहिए या आपके पास कार होना चाहिए, यू शुड हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ, आपके पास बहुत सा धन होना चाहिए, आप मस्ट भी लगा सकते हैं, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रक्चर है जहां मॉडल्स के बाद हैव का प्रयोग, देन नाउन कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में यहां नाउन का प्रयोग किया है। इनका मीनिंग निर्भर करता है कि इन मॉडल्स के जो भी यूज आपने पढ़े हैं
कैन मे शुड मस्ट कुड माइट कि क्या क्या यूज, यानी आप चाहें तो सेमी मॉडल का यूज भी कर सकते हैं, जैसे ही यूज टू हैव ए कार, उसके पास एक कार हुआ करती थी, यूज टू हैव, यानी वह एक कार रखा करता था, तो पास्ट में पोजिशन कोई चीज उसका हुआ करती थी। अब नीड नॉट भी कर सकते हैं, जैसे यू नीड नॉट हैव ए कार, आपको कार रखने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां पर है कि फिर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, प्रेजेंट में पोजेशन के लिए हैज, पास्ट में पोजेशन के लिए हैड, फ्यूचर में पोजेशन के लिए हम लोग विल और शैल के बाद हैव, पर साथ में अलग अलग भाव बताने के लिए जो अन्य मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जैसे कि मे, कैन, कुड, माइट, शुड, मस्ट, used to, need not, उनके बाद have लगाकर noun लगा दीजिए, तो इन models के नियमानुसार जो भी meaning होगा वो इन models के अनुसार meaning होगा और ये sentence structure भी बिल्कुल सही होता है। तो अलग अलग sense में possession, ownership बताने के लिए have के complete use as a main verb सीखे हैं। मैंने बहुत क्लियरली आपको कहा है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट हैव कैन बी यूज्ड इन वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। नंबर वन, इट कैन बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब। मेन वर्ब मींस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब इट कैन गिव द फुल मीनिंग इन ए सेंटेंस। दूसरा, मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंसेज में हैज हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैज हैव हैड के बाद। तीसरा यूज मैंने आपको कहा था कि हैव का प्रयोग आप कॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं, यानी जब आप कोई काम अन्य व्यक्ति से करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, जैसे वी हैव हेयर कट एवरी मंथ, हम हर महीने बाल कटवाते हैं, क्लियर। तो हैव को कॉजेटिव है। इसके अलावा एक हैव टू हैज टू भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं और यह मजबूरी दिखाता है, कंपल्सन दिखाता है, जिसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच सम स्टूडेंट्स। तो चार तरीके से हैव के यूज मैंने आपको बताए हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ध्यान दीजिए, हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो अपनी युवाम की बुक इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी है उसका पार्ट थ्री में आपको ये पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैव के यूज सीखने को मिलेंगे। इस बुक में जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं बेसिक्स टू एडवांस्ड लेवल सब दिए हुए हैं। यदि आप प्रभावशाली अंग्रेजी बोलने के लिए वाकई में बहुत सिंसियर हैं, ईमानदारी से सीखना चाहते हैं, तो इन क्लासेस के साथ साथ ये हमारी युवाम की बुक इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप इन क्लासेस को देखें, इस बुक्स को डिटेल में स्टडी करें और डे टू डे लाइफ में उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाकर आप इन्हें बोलने का अभ्यास करें। तो ये थे हैज हैव की डिटेल में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और मॉडल के साथ इसके यूज। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।